आज नवरात्र का पहला दिन है। आज माँ शैलपुत्री के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी के दरबार की है। दूसरी तस्वीर दिल्ली के झंडे वालम की है, जहाँ नवरात्र की पहली आरती में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। दिल्ली के ही कालकाजी मंदिर की भी तस्वीर है, जहां पर लोगों ने नवरात्र की शुरुआत माता के दरबार में हाजिरी लगाकर की। और चौथी तस्वीर माँ वैष्णो देवी के दरबार की है। पांचवी तस्वीर मुरादाबाद के माँ काली मंदिर की है। और छठी तस्वीर मुंबई की मुंबा देवी मंदिर की है, जहां भक्तों का हुजूम माँ के चरणों में मत्था टेकने पहुंचा। तो माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना विधि विधान आपने सुन लिया, और भक्तों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से अर्पणा और पटना से रजनीश सिन्हा। अर्पणा का रुख करेंगे सबसे पहले दिल्ली के झंडे वालान मंदिर में हैं। अर्पणा, भक्त किस तरह से वहाँ पर पहुँच रहे हैं और किस तरह का माहौल दिखाई पड़ रहा है? आज जिसे शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, तो भक्तों की सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और इस बीच आप देख सकते हैं अभी भी 10 के ऊपर हो चुका है, 10 बजे के ऊपर हो चुका है, अभी भी भक्तों की बराबर वही कतारें देखने के माँ के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर खासतौर पर इस बार की मंदिर की बात करें, झंडे वाला मंदिर अपने आप में ही सुप्रसिद्ध है, इतना ही पहले से। और इस बार जो जिस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, हर बार अलग थीम से सजाया जाता है। इस बार आप देख सकते हैं कि मंदिर के दरबार के किनारों पर 2 आकृतियाँ लगाई गई हैं, जो कि गणेश जी की लगाई गई हैं, वो फूलों से बनी हुई हैं। और साथ ही साथ माता का दरबार की जो ऊपर की छत है, उसमें जो चूड़ियाँ लगाई गई हैं घुंघरू की, क्योंकि माँ को श्रृंगार पसंद होता है। और जैसे कि आज पहला दिन है नवरात्रि का और माँ शैलपुत्री का दिन होता है, इनको सफ़ेद चीज़ें पसंद हैं, तो भक्त माँ से अपनी अरदास लेकर, अपनी मनोकामना लेकर माँ के पास आ रहे हैं और मन में श्रद्धा लिए कि उनकी मन्नतें पूरी हो जाएं। और इस बार के जो नवरात्रि हैं वो बेहद इस वजह से भी खास हैं, क्योंकि इस बार जो नवरात्रि हैं वो पूरे के पूरे पूर्ण नवरात्रि पड़ रहे हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि 9 के 9 नवरात्रि पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो शारदीय नवरात्रि होते हैं, उसके बाद से एक महोत्सव सा स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, अब जितने भी आगे फेस्टिवल्स हैं, जितने भी आप उनको देखने के लिए। बिल्कुल, माँ की महिमा और भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। पटना का रुख करेंगे, रजनीश, पटना में किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है आज नवरात्र का पहला दिन? बिल्कुल, देखिए पटना में हम माँ विंध्यवासिनी मंदिर में इस समय मौजूद है करुण, और यहाँ पर देखिए लगातार माँ की पूजा अर्चना में लोग जुटे हुए हैं। सबसे खास बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये पहला दिन जब होता है उस दिन माँ का पट बंद होता है। हमारे साथ यहाँ पुजारी भी मौजूद हैं। पुजारी जी, माँ के पट बंद होने का क्या महत्व है और क्यों माँ की आँखें बंद की जाती है पहले? माँ की आँखें इसलिए बंद किया जाता है कि 9 दिन में माता 7वां दिन का पट खुलता है, और उसमें जितने भी राक्षस हैं, चंड मुंड के वध किए हैं उनसे, इसी कारण उनका माता के पट बंद होता है। और आज पहला शैलपुत्री का पूजा है माता के, और भक्तों माता के यहाँ इतना कलश बैठता है कि पूरा माता विराजमान है, सक्षात हैं।